नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नोहर थाने पर हुआ शांति वार्ता का आयोजन। राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखे जाने को लेकर पुलिस थाना नोहर में शांति वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें, पुलिस उपाधीक्षक नोहर विनोद कुमार की अध्यक्षता में शांति वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान शहर से यातायात व्यवस्था, नशे पर रोक लगाने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों से शहर में अमन चैन बनाए रखने की अपील की गई। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार व थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने लोगों को आश्वस्त किया कि हर नागरिक की बात व सुझाव को ध्यान में रखते हुए सभी बातों पर गौर किया जाएगा व समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं इस शांति बैठक में शहर के CLG सदस्य सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। आज नोहर थाने में शांति बैठक की गई, जो ये अलवर, करौली, जोधपुर में दंगे हुए उनको देखते हुए शांति बैठक का आयोजन किया। उसके बारे में नोहर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह जी नुरुका के विचार जानते हैं। आज CO साहब नोहर के अध्यक्षता में थाना स्तर पर जो थाना सदस्य हैं, CLG मीटिंग ली गई, जिसमें जो भी नोहर के क्षेत्र की जो समस्या है उनके बारे में उनसे विचार विमर्श किया गया और जो भी समस्या वगैरह बताई उनके लिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के संदर्भ में सौहार्दपूर्ण वार्ता की गई। कानून व्यवस्था है, यहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो समस्या है उनके बारे में, ट्रैफिक वगैरह है जो है, CLG सदस्यों को जो समस्या उनके बारे में, और वो जो दूसरे सांप्रदायिक सौहार्द और उनके बारे में विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा गांव के आसपास से मौजूद आदमी नाम रख सके, उनसे उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। कुछ ऐसा पर बच्चे पे यातायात अन्य उनका जल्द समाधान करेंगे हम और भाईचारा और मेलजोल से रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में वीएमआर भारत टीवी के साथ।